बनेगा तेरा, 5 लाख रुपए का जो तूने नुकसान पहुंचाया किचन किचन में हमारी। अच्छा, दो चपेट लगेंगे ना यहीं, कहीं सुधर जाएगी। बकवास कर रही हो कहीं, लगाना चपेट। तू मुंह तोड़ के दिखा ना, तोड़ना तोड़ेगी मेरा, या तो पैसे देना या बैठ दिलवाना। तो रख लेना अपनी बहन को, इतनी प्यारी है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू प्रैंक। जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में कमेंट किया है कि भाई आप प्रैंक ही किया करो, प्रैंक करने में मजा आता है। गाइस, ब्लॉग भी करना अच्छा लगता है मेरे को बीच बीच में। मैंने तो पहली बार शुरू किया था लास्ट टाइम, थैंक यू, उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया है। अभी आज मैं एक नया प्रैंक करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं अंजलि को करने वाला हूँ बहुत बुरी तरीके से इरिटेट। उसको उसके अंदर जितनी भी सारी कमियाँ मेरे को नजर आती है सारी की सारी आज मैं बकने वाला हूँ। वो तैयार हो रही है मॉल जाने के लिए, मुझे पता था। वो सुबह से ही कह रही थी या तो मम्मी के साथ जाऊंगी या फिर राहुल जाएगा। अभी राहुल ने तैयारी कर ली है, उसको पिक करने आ रहा है, लेकिन मैं तो पूरे फंड मचाने वाला हूँ कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आप मेरे साथ इस प्रैंक में बने रहें और एंजॉय करें, लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मोस्टली हम तो प्रैंक ही बनाते हैं, बट बीच बीच में आप व्लॉग्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग, थैंक यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अब कहाँ चल दी? अरे वो है ना, नीतू का फोन आया था ना, वो कह रही थी कि दीदी मेरे साथ मॉल चलो एक बार, मेरे को कुछ काम है, तो उसके साथ जा रही हूँ। हांडने के अलावा कोई काम नहीं है तेरे पास? अरे कुछ काम है ना, उसको हांडना क्या है इसमें। तो सच, कोई कहता है बस उठ के चल देती है। कोई क्या, मेरी घर से कोई मतलब है तेरे को? मेरी भाभी कह रही है कोई घर से, तेरे घर से कोई मतलब है तेरे को अपने घर से? भाभी ने तो कहा है अपने घर से कोई मतलब है तुझे? क्या कर दिया ऐसा अपने घर से? इस मतलब कमरे में घुसी तूने कोई नोटिस करी कोई बात? क्या वो लाइट लटकी हुई दिखाई नहीं दे रही तेरे को? जब मैं जब तूने फोटो यहाँ ठोकी थी, जब भी मैंने कहा था मतलब इसको यहाँ पे, तो रोज गिरी रहती है और एक बार बंदी की हिम्मत नहीं है कि उठ के उसको सही कर दे। मैं करता रहो हर काम, उसमें मेरी गलती थोड़ी, तेरी गलती है। ये फोटो किसने लगाई यहाँ पे? मैंने कहा था कि ट्यूबलाइट को वो परेशान करेगी। अरे तो फोटो तो अपने कमरे में लगाऊंगी। तू अब चुप, इसको लगा नहीं तो ये लाइट चेंज करवा यहाँ से। अरे आप लड़ने का बहाना चाहिए बस, किसी ना किसी रीजन से बस लड़ना है। सच घस के चल देती कहीं भी मुंह उठा के, कहीं भी नहीं जा रही, घर परिवार से मतलब ही नहीं है। काम से जा रही हूँ, कहीं भी नहीं जा रही, काम से जा रही है। हाँ समझे, उसका फोन आया था, उसने बोला कि दीदी काम है। अभी भी वो उसके लिए कुछ नहीं कह रही है। क्या अब तू जा रही है ना मॉल? हाँ। अपने भाई के साथ जा रही ना? हाँ। ये लाइट खरीदवा के लिए कह रहा हूँ। क्या बोला तूने? आपका दिमाग खराब है, मॉल में कहाँ लाइट मिलती है? तो इसके लिए कुछ और लेके आओ फिर, उसको ठीक तो करोगे। ये रोज लटकी रहती है यूं, और ये बैठ गई, ये क्या हाल कर रखा है पीछे देख। ये कैसे हट गया दोबारा? जिसको चेप देती है रोज चुपचाप छुपाने के लिए, आज मैंने देख लिया। ये कैसे हट गया दोबारा? मैंने लगाया था सुबह सुबह, नया बेड खरीदवाया था, बकवास कर रही है। इसको मैंने सुबह सुबह लगाया था, चिल्लाओ मत जबरदस्ती। ये किसने हटाया मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं हटाया। कोई नुकसान नहीं दिखाई देते घर के, कोई भी, जो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? मुझे नहीं पता, ये ठीक होना चाहिए। आपने क्या? और मैं नहीं भरूंगा इसके लिए एक पैसा भी। नया बेड दिलवाया था, इधर से भी उखड़ा हुआ, उधर से भी उखड़ा, पता नहीं क्या कॉलिंग लिए घूमती रहती है। कॉलिंग के डब्बे अलग, और किसने उखाड़ा? और कौन हाथ लगाता है उसको? अरे तो साफ सफाई कौन लगाता है? तो साफ सफाई नहीं करूं? अभी कह रहे हो घर का ध्यान नहीं है, अगर मैं साफ सफाई नहीं करूं? साफ सफाई नहीं करती हो, कॉलिंग का डब्बा खर्च करना होता तुझे बस। अब पागल वागल हो गए हो क्या? बस ये आई आते चिल्लाना शुरू कर दिया। बकवास कर रही है, आते चिल्लाना शुरू कर दिया क्या? किस बेसिस पे जा रही है तू मॉल भरी दोपहर के अंदर? वैसे तो जो नींद आ रही होती दोपहर को। बता दिया ना काम है। हाँ, बड़ा काम से जा रही हूँ, बता दिया ना। काम से 10 मिनट वापस आ जाएगी? ये फंस गया सी है। जबरदस्ती आएगी नहीं वापस? जबरदस्ती 10 मिनट में तो मॉल भी नहीं पहुंचूंगी वापस। अरे जाने के रास्ते की टाइम की बात नहीं कर रहा, वहां तो 10 मिनट ही रुकेगी। काम है तो जब काम है तो क्या पता कितनी देर लगेगी, शॉपिंग करनी है क्या पता कितनी देर लगेगी उसमें। और उसका उसका काम नहीं है, मेरे को भी काम है, आया उनके कपड़े लाने, मेरे को भी इसलिए जा रही हूँ। कोई कपड़े लाने की जरूरत नहीं है, और अगर लाए तो फिर अपने घर वालों के पैसे से, अपने पैसे से लेके जाओ, मेरे पैसे मत लेके जाइयो। क्यों? शादी आपने करी थी? शादी तो मैंने कही कपड़े लाने के लिए, मैं कह रहा हूँ मत ले, क्या कपड़े, खत्म होगी बात। जो कपड़े वही नहीं, मैंने कह दिया जबरदस्ती नहीं, मैंने कह दिया। अरे चुप रहा, जबरदस्ती मैं एक पैसा नहीं दूंगा। मत दो मेरे पास पैसे नहीं है क्या? हाँ तेरे पास जो पैसे है वो भी नहीं दूंगा, मेरे ही है वो भी। क्यों? अपने घर से नहीं देंगे? तो अपने घर वालों से ले लियो। मुझे नहीं मतलब, मेरे पैसे मत लेके जाइयो। अपने घर वालों के पैसे लड़ो मत जबरदस्ती। मैं और जो मेरा घर का सामान अगर खराब किया ना, सारा का सारा सामान ले लूंगा वापस, बता रहा हूँ। लड़ो मत जबरदस्ती। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते ही? तेरे को एक बात साफ साफ बोल दी मैंने, ये बेड गया है टूट और तूने ही तोड़ा है। अब या तो 80,000 रुपए लेके आई हो या बेड चेंज करवा के लेके। आप नहीं सोते इस बेड के ऊपर, और 80,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? एक हफ्ते का टाइम दे दिया मैंने, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। 80,000 रुपए अपने घर वालों से लेके आई हो? अच्छा, मेरे घर वालों ने ठेका लिया है। तो तूने नहीं तोड़ा ये बेड? मैंने क्यों तोड़ा है, मैं क्यों तोड़ूंगी, वो हट गया। वो किसकी साइड है? वो तो मेरी साइड है। तो मेरी साइड वाला हटा हुआ है? अरे तो सफाई तो मैं ही करती हूं। सफाई करती है, बड़ा सफाई कर करके चमका दिया तुम तो सब कुछ। सब कुछ चमका ही रखा है, चमका ही रखा। ये क्या है? ये चमका हुआ है? मुझे नहीं पता, या तो 80,000 रुपए ले या बेड चेंज करा के ले। हो गया बस, कम हीरो हो गया, कम हीरो हो गया। मेरे से फालतू बात मत कर, कम हीरो बन लो। क्यों लाऊंगी? जो तूने नुकसान कर रखा है ना, उसका एक एक का पैसा मांगूंगा फिर मैं। फिर वो बर्दाश्त नहीं होगा तेरे से, पूरे घर में नुकसान मचा रखा है तूने। ऐसा क्या क्या नुकसान कर रखा मैंने? क्या क्या नुकसान? इतना पतोला भर के सब्जी बना देगी, उसको फेंकेंगे फिर आधी सब्जी को, तो सब्जी, वो किसका नुकसान है? सब्जी पैसे मेरे घर से लाओगे? नुकसान करेगी तो लाऊंगा ही। अच्छा, बहुत समझदार। तो क्यों करती है नुकसान? बोल नहीं करूंगी नुकसान। मतलब अगर कोई सब्जी, अगर मैं हिसाब लगाने लग जाऊँ ना, मैं बता रहा हूँ हिसाब लगाने, कम से कम 5 लाख रुपए का हिसाब बैठेगा तेरा। 5 लाख रुपए का जो तूने नुकसान पहुंचाया किचन में हमारे। अच्छा, हाँ, और 5 लाख रुपए का नुकसान कहाँ से भरूंगी मैं? मुझे क्या पता कैसा नुकसान कर दिया 5 लाख का मैंने। अगर मैं तेरी ये जो सब्जी दूध इन सब पे भी अगर खर्चा लगाऊं तो भी 5 लाख से ऊपर बैठता है। उतना तो आपके घर का काम कर देती हूँ, इतना तो अभी काम वाली ले लेती। काम वाली लगी हूँ हमारे यहाँ, उसके भर रहा हूँ मैं तो। खाना तो मैं बना रही हूँ। आजकल के टाइम में ना, एक टाइम के खाने के 8-8 हजार रुपए लेती काम वाली। दे दो ना, मॉल वॉल जाना सब बंद है, ठीक है? और अपने खर्चे का हिसाब लगाओ और खर्चा अपना कंट्रोल में करो, होगी बात खत्म। तो जब आप तो अपना खर्चा लेके आओ, आप तो दे ही नहीं रहे खर्चा। आप तो मना कर रहे हो, सारा मैं दे रहा हूँ। मेरे साथ है ना, बकवास मत करो। अपने घर से लेके आओ। घर क्यों? घर वालों ने पूरी जिंदगी के ठेका लिया है, पूरी जिंदगी देंगे आपको। बेटी है तू, कोई तरीका है भीख मांगने का? दे देंगे। आपकी क्या हूँ मैं? मेरी वाइफ है। तो आप नहीं दोगे? दे ही रहा हूँ। आप नहीं दोगे? मैं दिया नहीं है। अभी तो मना कर दिया आपने। मैं फालतू के खर्चों की बात कर रहा हूँ, जो नुकसान पहुंचा रही है। कौन सा खर्चा काम का है? फालतू का नहीं है। जो बेड खरीद के लाए थे उसका एहसान मुझे, तूने तोड़ा है। मेरे पापा एक बेड ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है? बार बार उन्होंने ठेका नहीं लिया बेड। तो फिर तूने क्यों तोड़ा है? मैं क्यों तोड़ूंगी उसको? पागल हूँ क्या मैं? अपनी चीज खराब करूंगी? तो क्यों तोड़ रखा है? वही तो पूछ रहा हूँ। अपनी चीज मान रही होती ना तो अब यहाँ भर देती कि मैं ले आती हूँ। अपना तो मानती नहीं ना तू। क्यों ले आऊंगी यार? कैसी उल्टी बातें कर रहे हो अपने घर से? अभी थोड़े दिन पहले आप घर जमाई बनने को तैयार हो रहे थे, फिर उस दिन दहेज मांग रहे थे, फिर कह देते मैं मजाक कर रहा हूँ। आज अगर मजाक तोड़ा ना करा ना तो मुंह तोड़ दूंगी, बता रही हूँ मैं। अगर आखिर मेरे को बोला कि मजाक मुंह तोड़ देगी, पांगली सी है, मुंह तोड़ देगी, बिल्कुल शर्म नहीं आती। दो चपेट लगेंगे ना यहीं के, सुधर जाएगी। बकवास कर रही हो कहीं? लगाना चपेट। तू मुंह तोड़ के दिखा ना। लगाना चपेट। तोड़ना। आना आना, मुंह तोड़ेगी मेरा। अब आए ना लाइन पे। बदतमीजी करेगी, बकवास करती है। इतनी भी इज्जत नहीं है कि 6 साल बढ़ाऊं तेरे से। आपने मैं थप्पड़ कैसे मारा? मारा ऐसे ही मारा। एक और मारूं? थप्पड़ कैसे मारा आपने मेरे? कैसे मारा? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मॉल वॉल जाना बंद है, मैं राहुल को फोन कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो फोन उसको? और आप मुझे मार कैसे रहे हो? लेके कैसे जा रहा हो तेरे को? आप मेरे को मार कैसे रहे हो? खर्चा कहाँ करवाने ले जा रहा? वो कुछ काम से जा रहे हैं, हम हर काम बताना जरूरी नहीं होता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कर रहे हो ये? क्या ड्रामा ये? हाँ नमस्ते वमस्ते गई भाड़ में। हाँ भाड़ में ही गई। नमस्ते। नमस्ते। तो तूने एक बार पूछा मेरे से कि अंजलि को लेके जा रहा हूं मैं? तो अंजलि ने तो नहीं बताया मुझे, तैयार होके खड़ी है, कह रही मैं तो जा रही हूँ। हाँ तो भाई है तो फिर रख, ले जा। हाँ ले जा ले जा। हाँ वहीं रहना, वहीं रहना। उसको बोलना है वो इसने पूरा बेड तोड़ दिया हमारा यहाँ नया का नया, और बाकी नुकसान करे वो अलग, बेड का तो भरपाई करेगी करेगी आज। हाँ या तो पैसे देना या बेड दिलवाना। तो रख लेना अपनी बहन को, इतनी प्यारी है। तो इतनी प्यारी होती तो फिर बात ही क्या थी। इतनी प्यारी होती तो ये अब अपने भाई के साथ जा रही है तो अपने मायके रह के आती ना 4-5 दिन तो कम से कम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कह रही शाम तक आ जाऊंगी वापस, घूम फिर के एंजॉय करके शाम को फिर खून पीने आ जाएगी। हाँ रख अपने पास। तो खून किसका पीऊंगी? उसका थोड़ी पीने जाऊंगी। बकवास कर रहे हो उसके साथ? क्यों, ये क्या हरकतें हैं ये? क्यों मिलाया फोन उसको? हैं? क्यों मिलाया उसको फोन? इतना सेंस नहीं मुझे फोन करेगी जी अंजलि को लेके चला जाऊं क्या मॉल?
ऐसे कोई जाता है आज तक इतने सालों में? आज तक कभी कहा था आपने उसको? वही कह रहा हूँ, आज तक क्यों नहीं पूछा? जब पूछता है ना फोन करके, जब मम्मी पूछती है फोन करके, बेटा मम्मी जी मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछ लेना, जब तो बड़े ही जवाब दे देते हो। हाँ तो अब आपसे नहीं पूछ तो रहे, पूछना तो बनता है। अरे तो मैं बता तो रही हूँ, कौन सा मैं सात समंदर पार जा रही हूँ? ना तू जा, ना तू सात समंदर पार जा, सात आठ दिन के लिए जा कम से कम अपने घर पे। अपने घर जा रही है ना तो रह के आई हो, सात आठ दिन माहौल भी बना लेगी, तो पैसे वैसे इकट्ठे करके लेगी। क्यों करूंगी पैसे इकट्ठे? मेरे घर वालों ने ठेका ले रखा है, चौबीस नुकसान, पूरा घर का नुकसान मचा रखा है। क्या नुकसान कर दिया? क्या ब्लेम पे ब्लेम लगाए जा रहे हो? कभी कह रहे ये तोड़ दिया वो, तो उस ट्यूबलाइट में मेरा क्या रोल है? ट्यूबलाइट में मेरा क्या रोल है? वो मैं आपको खून पी रही है वो अलग, खर्चे कर रही है वो अलग, घूम फिर रही है वो अलग, नुकसान कर रही है वो अलग, और फिर कोई एहसान भी नहीं है। कैसे हो यार, मतलब जबरदस्ती मेरे सिर चढ़ रहे हो, जबरदस्ती मेरे सिर पे चढ़ रहे हो। राहुल को और फोन कर दिया, उसको फोन करने का क्या सेंस? मॉल जाना कैंसिल करा, नहीं जा रहे कहीं पे? हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगी। प्यारी समझ गई बस नहीं जाऊंगी, नहीं तो जाएगी, यहीं रहेगी, घर का काम करेगी, हो गया बस। घर का काम बहुत एंजॉय कर ली जिंदगी, घर का काम कंप्लीट करके ही बैठी थी। टाइम देख लो, दो बज रहे हैं। चल मेरे लिए चाय बना के लाना। आपने ये अलग एक नया तरीका ढूंढा है चाय बना के लाना? चाय का कौन सा ये आपने कौन सा टाइम निकाला? दो बजे कौन चाय पीता है? तीन बजे चाय पीऊंगा मैं, एक घंटे वापस आने से रही तू। तीन बजे मेरे लिए चाय और पोहा बना देना, मैं भी थोड़ा बहुत काम है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, हिसाब से रहो अपने, बहुत खर्चा हो गया। तीन बजे बनानी है ना मम्मी, है ना? बहुत खर्चा, चाय बनाएंगी ना चार बजे अपनी, तब बनवा लेना एक कप एक्स्ट्रा। मम्मी मना कर देंगी कि नहीं मैं नहीं बना रही? तू नहीं बनाएगी मतलब? तुझे पति से कोई मतलब ही नहीं है? वैसे तो कहती है मेरा परमात्मा है और करवा चौथ पांव छुएगी, सारे तमाशे करेगी, वैसे जो मारने भागेगी मुंह तोड़ दूंगी। मुंह तोड़ेगी तू? सॉरी वो गलत बोल दिया मैंने, अब आगे सॉरी पे घूम फिर के अपनी गलती का एहसास होते सॉरी हो जाती, फिर वैसी बन जाती है। अरे वो मैंने गलती का सॉरी का मतलब ये कि दोबारा नहीं की जाएंगी ऐसी गलतियां। हां तो नहीं करूंगी ना, बेबादी करती है तू। तो आप ऐसे इंस्टिगेट करते हो मेरे को ऐसे बोल बोल के, बोल बोल के। तू शॉपिंग मॉल नहीं जा रही है, आज से घर का नुकसान करना बंद, अब पूरा का पूरा अपने घर के बारे में सोचेगी। अरे मुझे एक चीज बताओ, ये नुकसान जो हुआ है आराम से पूछो, ये नुकसान जो है मैं जानबूझ के करती हूँ, मैं जानबूझ के कर रही हूँ। जानती होगी, मुझे क्या पता। आप यार एक सेकंड में ऐसे आपका मूड स्विच होता है यार, अभी मैं गई थी थोड़ी देर पहले नीचे उनको खाना खिलाने, तब तो मेरे को नहीं पता है ना सच धज के आ जाएगी मॉल जाने के लिए, मेरे को कही तो नहीं एक बार भी सुबह से? तो मॉल की बात से और इनकी ये बैड बिल्कुल लिंक है, मॉल जाना भी नुकसान है, ये भी नुकसान है। ये जो केयरलेस एटीट्यूड है इसको ठीक करो, बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे हो अब तुम, और बस घूम फिर के टैसो गिराना शुरू कर देगी, कुछ नहीं बचता। तो टैसो को जवाब नहीं, तो नहीं गिरा रही मैं टैसो, नहीं गिरा रही, नहीं जाना ना, ठीक है नहीं जाना, मना कर रही हूं, कुछ हो जाए नहीं जाना। हां ठीक है, नहीं जा रही। पता भी है क्यों नहीं जाना, ऐसी रूस की बस। नहीं आप बोल रहे हो ना मैं अपने घर का ध्यान नहीं रखती, पैसे बर्बाद करती, तो नहीं जाना तो नहीं जाना, ठीक है। इसलिए नहीं जाना क्योंकि मैंने मूवी की टिकट खरीद रखी है, देख लेना तू और मैं मूवी देखने चलेंगे। नहीं आप खुद ही देख लेना, तो दो टिकट है, दूसरी टिकट फिर मेरे को किसी और को ले जाना पड़ेगा, मुझे नहीं देखनी मूवी, किसी और को ले जाऊं फिर, जिसको मन करे उसको ले जाऊं। पक्का? श्योर? हां। अरे ऐसे मत कर यार, क्या ऐसे मत कर, किस चीज की तैयारी कर रही है, मना कर दिया जाने के लिए? नहीं जा रही मैं, सनस्क्रीन लगा रही हूं, घर में भी लगाती हूं, घर में सनस्क्रीन लगाता कोई लगाती हूं, जाना नहीं है, कपड़े उतारने जाऊं, जाना नहीं है, कहीं कहीं तो सोच रही हूं पिघल गया। नहीं जा रही मैं, नहीं जा रही ना, सब क्या बोल रही है, मैं नहीं जा रही हूं, सामने कैमरा लगा हुआ है, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। सब क्या बोलो, मैं नहीं जा रही हूं और आज के बाद भी नहीं जाऊंगी, अपने पति से आज्ञा लिए बिना कोई भी काम नहीं करूंगी, बोलो। ब्लॉग्स में भी सपोर्ट करो। वैसे ब्लॉग्स पे कमेंट आए हैं कि आप प्रैंक ही करते रहा करो।
हाँ स्वाद आ रहे हैं ना, उन्हें तो स्वाद आ रहे हैं, आपको भी स्वाद आ रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब इतने टोकने के बाद लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस। और अंजलि आज से मॉल नहीं जाएगी, वादा कर रही है, पति से पूछे बिना कहीं नहीं जा रही। मैं वादा वुदा कुछ नहीं कर रही, जब काम होएगा तो जाया भी जाएगा। सात वचन याद कर ले यार।